मंच खोलते हैं, हमारे जानकार हमारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं, एकदम फ्रेश आइडियाज के साथ आए हैं ये सब लोग, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, प्रशांत सावंत और शरद अवस्थी। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गाबा सर बताइए, क्या ट्रेड लेंगे आज सुबह में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज का जो ट्रेड है वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स का सेटअप अच्छा है, हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, और कल एक अच्छा आपको मिला था, क्लोज हुआ है हाई पर। ट्रेड करा है 1078 पर अडानी पोर्ट्स, टॉप होगा 1060 और नियर टर्म टारगेट है 1100 के। लेकिन लेना कहाँ है वो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि रिस्क वर्ड इतना फेवर में नहीं है, फेवर में है, इसलिए अगर स्टॉप लॉस और कल के क्लोज के बीच में मिल जाता है तो लेना है, क्योंकि मार्केट में डिप मिलेगा तो ही लेना है, वरना छोड़ देना है उसको, चेस नहीं करना अडानी पोर्ट्स। यस, 1100 टारगेट। ओके, चलिए तो अदानी पोर्ट्स ये है आपके लिए टारगेट, चेज नहीं करना, डिप मिले तो बाय करना। अच्छा, आज ध्यान रखिए, आज अदानी ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ रहा है। अभी देखो, हाँ, तो 10:30 बजे वो जजमेंट आना है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 1060 का स्टॉप, 1100 के टारगेट यहाँ पर गाबा सर की तरफ से। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बैंकिंग पे ही ध्यान है और कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक ने एक बढ़िया रैली दिखाई है 1740 से लेकर 1920 तक, लेकिन कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये एक रिवर्सल है, शायद स्टॉक और करेक्ट हो सकता है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 1881 के स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको और 1825 के टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो पुट ऑप्शन ले लीजिए, 1860 वाला पुट ऑप्शन जो ₹30 के आसपास कल क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। ₹24 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं और ₹45 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो क्लियरली एक शॉर्ट कॉल कोटक, और कोटक ड्रैग कर रहा था बाजार को कल, आपको याद होगा दोपहर में हम बार बार यही कह रहे थे कि कोटक से प्रेशर बन रहा है, SBI से प्रेशर बन रहा है। कल क्लोजर करीब 2.5% नीचे। आज का टारगेट सेल साइड का 1825 का, और आपके लिए एक और विकल्प है कि 1860 का पुट लेकर चले और यहाँ पर आपको टारगेट्स मिल सकते हैं 45 के। तो ये मानस ने क्लियरली पिक किया है। राजेश जी बताइए, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है आज सुबह के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग तो हो रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आ रहा है। लो बीटा थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, फोकस है, जैसे अनुज ने कहा कि यहाँ पे एक हाइडिंग प्लेस है। तो देखिए, फार्मा पे नजर है, लेकिन फार्मा पे कल दो काउंटर्स मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन मिला, पहली बार ही लगा, वो है लालपैथ एंड सेकंड इज मेट्रोपोलिस। मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, अगर दो में से एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन लालपैथ लैब। कल इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट का लेवल था 2610 और 2660 का इसका क्लोज मिला। तो ये जो लेवल है, मेरे हिसाब से कम से कम दो टारगेट अनफोल्ड हो रहे हैं, 2710 का पहला, 2750 का दूसरा। तो आपको लालपैथ लैब को बाय करना है और जो स्टॉप लॉस रखना है वो रहेगा 2620 का। ऑब्वियसली ऐसे SGX निफ्टी थोड़ा वीक दिखा रहे, तो गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा वीक मिलेगा, ये एंटिसिपेट करके मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा डीप रखा है, तो 2620 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करे लालपैथ लैब। ओके, लालपैथ लैब यहाँ पर एक सेल ट्रेड, सॉरी बाय ट्रेड इनिशिएट हुआ है राजेश जी की तरफ से। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, आपका ट्रेड? जी अनुज जी, हर्षा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों का नमस्कार। तो अनुज जी, जैसे हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और कल अबाउट इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स काफी वक्त के बाद, दूसरी बात ये अंडर परफॉर्मर रहा है और यहाँ से अब प्राइस एक्शन पॉजिटिव टर्न हो रही है, तो मुझे लग रहा है हम ऑलमोस्ट एक बॉटम के नजदीक है। कल की जो क्लोजिंग थी करीबन 23,300 के आसपास थी, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23,100 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 23,750 से लेके 23,800 करीबन 23,800 के आसपास। ओके, तो एबिट इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक और देखिए, थोड़ा सा डिफेंसिव, एक डॉक्टर लाल आया, एक एबिट आया, ये ट्रेड्स हैं। आई थिंक हमारे साथ अब शरद भी जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग जी, मुझे लगता है PVR आइनॉक्स में थोड़ी बहुत करेक्शन हमने रिसेंटली देखी है पिछले कुछ दिनों में, और यहाँ से स्टॉक में जिस तरीके की मूवी रिलीज ट्रैजेक्टरी है और जो अभी तक मूवीज रिलीज हुई है उसमें जैसी सक्सेस है,
हमें लगता है ये कंपनी काफी आइडियली प्लेस्ड है काफी बढ़िया रनअप के लिए, हालांकि जो लो बीटा थीम सब कोई लेके चल रहे हैं उसके टोटल ऑपोजिट है, बट मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी स्ट्रांग रहेंगी कंपनी के लिए, और जहां बाकी कंपनीज जो न्यू एज कंपनीज हैं जहां ग्रोथ रेट्स वगैरह स्ट्रांग रहेंगी वो 7 times ईवी टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है, ये कंपनी 1 year फॉरवर्ड पे 3 times ईवी टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि 7 times ईवी टू सेल्स होगा, बट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और मुझे लगता है अगले साल जैसे जैसे सिनर्जी बेनिफिट्स आते हैं जो इन्होंने नए स्क्रीन्स खोले हैं उसका बेनिफिट आता है, प्रॉफिट में एक अपवर्ड रिवीजन काफी हद तक देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है अगले साल की अर्निंग करीब 70 रुपए के आसपास आनी चाहिए, 30-40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए, तो शुरुआती लक्ष्य 2100 के आसपास के लेके मुझे लगता है पीवीआर आईनॉक्स से काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट होनी चाहिए। ओके, तो पीवीआर आईनॉक्स से एक लंबी बेट हो सकती है। शरद जी, कोई मूवी निपटाई है क्या हाल फिलहाल में आपने? नहीं, मैं तो कम ही जाता हूँ, लेकिन स्टॉक तो रिकमेंड कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स वो तो रिकमेंड कर ही सकते, मुझे लगा आपने कुछ चैनल चेक किया होगा, फुटफॉल देखा होगा, किस तरह से पॉपकॉर्न की बिक्री दिख रही है थिएटर्स में, उसका कुछ चैनल चेक लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। इनफैक्ट जनवरी में एक अच्छा खासा लाइनअप भी है कई सारी फिल्मों का, तो वो भी शायद ड्राइव कर सकता है पीवीआर के फॉर्चून्स को। चलिए टॉप कॉल्स में सारे आपके लिए रैप कर देती हूँ, फिर यतिन भी एकदम तैयार होंगे आज के स्टॉक्स न्यूज पर रोशनी डालने के लिए। अदानी पोर्ट 1100 का टारगेट है, 1060 का स्टॉप लॉस, लेकिन गावा साहब ने आपको साथ में कॉशन ये भी दे दिया है कि स्टॉक को चेज नहीं करना है आज। इनफैक्ट अदानी ग्रुप कंपनियों के लिए एक बड़ा दिन वैसे भी है, जब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुनाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक पर एक सेल कॉल, लेकिन मानस ने दिया है 1825 का टारगेट, 1881 का स्टॉप लॉस लगाना है। डॉक्टर लाल पैथलैब पसंद है इस समय। राजेश सातपुते को 2710 और 2750 का टारगेट, 2620 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और प्रशांत सावंत ने आज पिक किया एबिट इंडिया, 23750 का टारगेट पहला वाला, फिर 23800 का स्टॉप का टारगेट रहेगा, 23100 के आसपास आपने स्टॉप लॉस लगाया। थोड़ा भारी स्टॉक है, देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। और पीवीआर आईनॉक्स पसंद है शरद जी को, 2100 के टारगेट के लिए कह रहे हैं, मौका है अपनी पोजीशंस तेजी की तरफ बनाने का। तो ये है फिलहाल आपके लिए आज के टॉप कॉल्स।